नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं स्वाति। किसानों को अपने छोटे छोटे राजस्व संबंधी कार्यों के लिए सिरमौर जाना पड़ता था। इन कार्यों के सिलसिले में सिरमौर जाने से ना सिर्फ पैसा एवं समय खर्च होता था, बल्कि कार्य के इंतजार में परेशानी भी होती थी। इसलिए वर्षों से लाल गांव को उप तहसील का दर्जा दिए जाने की मांग की जा रही थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने भी लाल गांव को उप तहसील बनाए जाने की मांग रखी गई थी और उन्होंने लाल गांव को उप तहसील का दर्जा भी दिए जाने की घोषणा की थी। गर्व की बात यह है कि लाल गांव को उप तहसील का दर्जा मिल गया है। यहां उप तहसील कार्यालय का शुभारंभ भी हो गया है। यह बात मनगवा विधायक ने सोमवार को लाल गांव में नवीन उप तहसील कार्यालय का शुभारंभ करते हुए कही। इस क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा। कहा कि लाल गांव में शीघ्र ही बाईपास सड़क, कृषि उपज मंडी, गौशाला, नहर निर्माण, पानी की टंकी से पानी सप्लाई शीघ्र शुरू किया जाएगा और उप तहसील भी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि लाल गांव में उप तहसील शुरू हो जाने से क्षेत्र के लोगों के जमीन नक्शा, खसरा खतौनी, जमीन संबंधी विवादों आदि का अब यहीं से निराकरण किया जाएगा। अगर तहसील पास आई है तो इसीलिए कि आप लोग जो डेली काम करने वाले लोग हैं, देखिए एक चीज है, थोड़ा खुल के मैं कहना चाहूंगा कि जो सक्षम लोग हैं उनके काम किसी न किसी तरीके से हो ही जाते हैं, भले देर सवेर हो, लेकिन जो गरीब वर्ग है जो कहीं ना कहीं मजदूरी पे आश्रित है, वो खेती किसानी कर रहा है, वो भटकता रहता है, उसकी आवाज कोई नहीं सुन पा रहा है। तो तहसील अगर विधायक जी ने यहां तक ला दी है तो सबसे पहले आप लोगों के लिए जो अंत्योदय में है कि पंक्त में खड़ा हुआ सबसे आखिरी इंसान, अगर उसके लिए भी शासन पहुंच रहा है, उसके लिए भी शासन की हर योजना पहुंच पा रही है, तभी वो सुशासन है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि शासन की हर एक योजना जो राजस्व विभाग के अंतर्गत है, हर एक कार्य जो राजस्व विभाग के अंतर्गत होते हैं, सभी कार्य तहसील के उद्घाटन कार्यक्रम के हमारे आज कर रहे अध्यक्षता हमारे परम सम्मानी सुनील पांडे भी, हमारे इस जो तहसील का संचालन करने जा रहे हैं, आप सब लोगों के बीच मंच में बैठे हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में परम सम्मानी हमारे परम प्रवीण त्रिपाठी जी, हमारे